तो गाइस ये है नाहरगढ़ का फोर्ट। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर पे और शाम का वक्त हो चुका है। वहाँ से आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह नाहरगढ़। ये सेम डे का व्लॉग है लेकिन वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसे दूसरे पार्ट में डालूंगा। और अभी देखना, अभी तो जो अच्छा वाला व्लॉग है वो अब अपलोड होगा, मतलब मैं और अच्छी चीज़ें आपको इसमें देखने। हाँ, जयपुर की दिवाली में जो नाइट लाइफ होती है वो आपको देखने को मिलेगी इस व्लॉग में। तो अभी तो सबसे पहले हम जो इवनिंग का पॉइंट होता है ना, वो व्यू पॉइंट है वहाँ का, नाहरगढ़ फोर्ट जो है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ का आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे। बहुत बहुत मस्त होता है, आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ आते आते तो रात हो चुकी है, लेकिन व्यू देख लो ऊपर का। पता नहीं वीडियो में तो ढंग से इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन गाइस आँखों से देखने में इतना अच्छा फील हो रहा है ना, ऐसे मज़ा आ गया यार। तो गाइस रात का टाइम है, देखो नाहरगढ़ के अंदर का शाम का सोच। तो ये एंट्रिंग होते ही गाइस शीश महल है। जयपुर वैक्स क्या ये म्यूजियम गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना रात के टाइम पे भी। वैसे तो ये दिन के टाइम आना चाहिए लेकिन हम लेट हो गए, लेकिन रात को भी बहुत लोग आते हैं व्यू के लिए। यहाँ पे बहुत मस्त व्यू आता है ना गाइस यहाँ पे। ये देखो ये लिख भी रखा है व्यू पॉइंट। विरासत को संभाल कर रखे। यस, हाँ ले जा जिम में भर के ले जा। तो गाइस ये है नाहरगढ़ का फोर्ट। रात में आप देख सकते कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ से। हाँ लॉयन को कहते हैं ना, ये भी राजा जयसिंह ने बनवाया था क्योंकि यहाँ पे आते थे वो शिकार का। ये एंट्री अब यहाँ पे, ये नाहरगढ़ फोर्ट का। इस सच बताऊँ ना, रात में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी लाइटिंग है। आप फोटो के लिए भी पिक्स आपको क्लिक करने के लिए बेस्ट लोकेशन है इनके आगे। अच्छी लाइट वगैरह कर रही है इसकी भी, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। मोस्टली जो लोग हैं ना, ये नाहरगढ़ फोर्ट में रात को ही आते हैं। डरावना से भी लगता है, लेकिन अगर इसमें लाइट नहीं होती ना तो डरावना लगता है। यार रूम कितने शानदार है ना, लाइट लगा रखी है वो बेस्ट है यहाँ पे। कितने अच्छे रूम है गाइस, मतलब यार इनके नीचे का देखो कितना मस्त है ना, गोलू एक नंबर, मजा आ रहा है। सफाई कितनी अच्छी, और पहले का अभी तो बरकरार है ना इतना। वाओ यार कितना मजा आता होगा ना, पहले लोग रहते होंगे इनमें तो। सीरियसली ये खिड़की देखो कितना मस्त है यार गाइस, कितना मस्त, मतलब मस्त का रूम है ये। रोहित यू बता कितनी ये पेंट वगैरह, ये पहले का या आपका है? लेकिन यार फर्श देखिए, फर्श मुझे तो पहले का लग रहा है, जैसे ये चीजें होंगी ना ये पहले की। नेचुरल पेंट है सारा, ये नेचुरल पेंट है। पहले जो फूलों का कलर जो निकलता था ना उनसे सब हुआ है सब कुछ। हाँ तो यहाँ कुछ कुछ ऐसा है जो अभी हुआ है, कुछ कुछ पहले का। इसमें सच बताओ ना, रात में बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, रात में लाइट लगा के, लाइट से चार चांद लग गए, मतलब बहुत बढ़िया है। और ऊपर का देखो गाइस, एकदम महल वाली फीलिंग आ रही है जिसे कहते हैं ना गाइस। ये दूसरी हवेली, मतलब ये पूरी एक ही हवेली है, देख लो आपको दिखा दूं। कितना मस्त है यार, कितना लाइट बहुत मस्त है यहाँ की। तो गाइस ये देखो, ये बताया जाता है ये बेडरूम है। ये यहाँ पे कुछ अपना सामान वगैरह रख लिया करते थे, और ये यहाँ पे इनका बेड लगता था। ऊपर है चिमनी, अंधेरे में पता नहीं आपको शो हो रहा है होगा या नहीं। वाओ यार कितना मस्त है यार। तो गाइस ये देख लो, ये ऊपर वाला फ्लोर है,
ये बताया जाता है कि ये रानी की 12 रानियों के लिए बना था, जिसमें से 2 मेन रानी थी और 10 पटरानी थी, मतलब राजा आते थे यहाँ पे उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। गाइस देखो ये रूम, ये मेकअप रूम देखो, यहाँ पे शीशा भी लगा है पहले के टाइम से। कैसा लग रहा हूँ गाइस मैं स्मार्ट लग रहा हूँ ना, आप बता दो बस, कमेंट कर देना और इसका भी बता देना कैसा लग रहा है, ब्लॉगर लग रहा हूँ ना मैं बस। अब तो गाइस ये देखो यहाँ पे खिड़की पे, यहाँ का खिड़की का व्यू कुछ इस तरीके का। रूम देखो यार गाइस कितना मतलब प्यारा कलर है, लाइट ने सच बताऊँ ना 4 चांद लगा दिए यहाँ पे, यहाँ की जो ये, अबे यहाँ पे भी आके एक्सरसाइज करनी है, वैसे तो करता नहीं। ऊपर का देख लो, वाह यार बेटा, मतलब कहले के लोगों की क्या क्रिएटिविटी थी। अब ये वाला जो है ये ऊपर का ही दूसरा रूम है, रूम क्या है कॉरिडोर से आपको दिखा दूँ मैं। अरे ये क्या कर रहा है यहाँ पे गाइस देखो पूरा गैलरी है, कितना मस्त लग रहा है यार, कितना बढ़िया लग रहा है। देखो गाइस ये यहाँ पे लॉक लगा रखा है रूम का, मतलब सच बताऊँ ना मेरे को ये बहुत मस्त लगा यार नाहरगढ़, सच बताऊँ तो बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि इतनी सफाई पहले की अभी भी चीज़ें यहाँ पे, मतलब महल वाला फील यहाँ पे आ रहा है पूरा। बाकी जो फोर्ट है ना उनमें ये है वो बाहर से थोड़े अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है ना ये बाहर से तो पता नहीं लेकिन अंदर से बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल पहले की तरह, जैसे पहले रहते होंगे ना हम इमेजिन कर सकते हैं। तो गाइस ये देख लो आप, ये जो है ये इतनी सी गैलरी थी पहले के टाइम की, ये पूरा जो महल है इतना अच्छा है ना, इतनी इसमें कलर वगैरह इतना अच्छा कर दिया। गाइस ये टॉप है बिल्कुल, छत जिसे कहते हैं ना, आपको क्या पता इतना दिख ना रहा हो लेकिन यहाँ से देख लो बाकी का नज़ारा, इसी से देख सकता हूँ हमारे रास्ते की, मतलब यार इतना मस्त। बल्कि ना मेरे को ना बाकी फोर्ट से ज़्यादा ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बाकी बाहर से अच्छे हैं लेकिन अंदर से उनका मतलब बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन ये अंदर से अभी भी बिल्कुल मस्त है यार। पूरा व्यू भी एकदम शानदार, बहुत ऊंचाई पे, बहुत टॉप व्यू देख सकते हो सामने का, बिल्कुल जयपुर, पूरा जयपुर दिखेगा, बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचा, शायद यहाँ पे सबसे ऊंचाई पे यही है, तो सबसे ऊंचा यहाँ पे नाहरगढ़ी है अगर देखें हम। आज देखो कितना मस्त दिखता है ना ऐसे, और अगर आप देखोगे ना दिवाली के टाइम पे तो एकदम जगमगा जाता है पूरा जयपुर, ये पूरा जयपुर दिख रहा है आपको यहाँ से, लाइट जल रही है दिवाली के लिए, वाह यार। तो भाई सब घूम लिया पूरा नाहरगढ़ फोर्ट, तो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया, तो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई, 8 बज गए, अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अभी मार्केट जाना है, मार्केट एक्सप्लोर करनी है आपको, मार्केट का ज़रूर देखना, वो बहुत बहुत अच्छा मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपको वही पार्ट लगेगा। और अभी यहाँ से निकलते कुछ भूख लग रही है, कुछ खाएंगे फिर चलेंगे, 8 तो बज चुके हैं तो देखते हैं कब तक हम फ्री होते हैं। यहाँ पे है गुलाब जी चाय वाले, जो कि यहाँ के सबसे फेमस है जयपुर में, आप सब जानते होंगे यहाँ का चाय और मस्का पाव बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, अभी भी रात के 9 बज चुके हैं लेकिन फिर भी देखो भीड़ बहुत है, आप अगर जयपुर आओ तो यहाँ ज़रूर आना। Thank you.
सो गाइज अब आज थोड़ा ना लेट हो गया हमारा, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया, लेट हो गया मार्केट आने में। मार्केट क्लोज़ हो रही है और यहाँ पे लाइट वगैरह तो चल रही है लेकिन मार्केट क्लोज़ हो रही है और लोग वगैरह भी इतने नहीं हैं, तो कुछ ज़्यादा बना नहीं पाया यहाँ का। मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन क्या करूँ, मैं जितना कवर हो पा रहा आपको उतना दिखा देता हूँ। अभी 10 बज रहे हैं रात के लेकिन पता नहीं क्यों मार्केट यहाँ पे बंद हो रही है अभी। तो खैर हम एक फेमस शॉप है फालूदा की जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है जयपुर में, अगर आप आते हो तो ज़रूर आना। ये गाइस रामचंद्र कुल्फी भंडार, ये बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। अभी मार्केट बंद होने वाला है लेकिन फिर भी बहुत भीड़ है यहाँ पे।